गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपको मैं अपनी डेली रूटीन के बारे में कुछ बताऊँगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस देख के तो पता लग ही गया होगा कि मैं गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली फागला में एज अ टीचर जॉब करती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में कुछ बताऊँगी। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं रोज़ सुबह स्कूल पैदल ही जाती हूँ, पर हाँ अगर कभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो मुझे बस लेनी पड़ती है। तो मैं सुबह रोज़ पैदल ही जाती हूँ वैसे स्कूल। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, थोड़ा नीचे तक आ गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पैदल। अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैं पैदल कहाँ से जाती हूँ और कहाँ तक मैं जाऊँगी। वो रहा नीचे मेरा स्कूल और ये मैं चल पड़ी हूँ पैदल। और आज धूप भी खिल चुकी है, तो अभी मैं जाऊँगी पैदल पैदल। अभी मैं यहाँ से उतरूँगी नीचे। तो अभी हम पहुँचे हैं पुल के पास। आजकल लोगों को गेहूँ काटने का काम पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो लोगों ने काट भी लिया है, पर कुछ लोग अभी काट ही रहे हैं। मुझे यहाँ से सुबह सुबह पैदल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हो आप लोग गेहूँ के खेत। पर आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब पड़ जाए, इसीलिए अभी कुछ लोगों की गेहूं जो है रह गई है काटने को। मुझे स्कूल में पैदल पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है, तो इतना तो हमें पैदल चलना ही चाहिए सुबह सुबह। मैं रोज़ सुबह घर से 8:15 में निकल जाती हूँ और 8:45 के करीब करीब मैं स्कूल में पहुँच जाती हूँ। लोगों का प्याज का खेत, कितना सारा प्याज लगा हुआ है, और एक और प्याज का खेत यहाँ तो बहुत ही लगा हुआ है। लोगों की गेहूँ जो है बहुत ज़्यादा पक चुकी है, पर भगवान जो है नहीं चाहते कि लोग इसे काटें। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप लग जाती है। भगवान को कुछ नहीं बोल सकते, अब क्या बोलें। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल के पास। बस मैं पहुंचने वाली हूँ स्कूल में। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल, बच्चे भी आ चुके हैं और अभी मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। तो आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।